जी फाइनली फार्मर्स ये इधर पहुंचे हैं। हमें गूगल मैप बता रहा था कि इस गली में डाल लें, तो वो मेहरबानी है इनकी कि ये गांव वालों ने हमें कहा कि इधर खड़ी कर दें, इधर ना डालिएगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हमने देखी है। वो मोटरवे का लिंक बन रहा है, माशाल्लाह पाकिस्तान डेवलप हो रहा है। ये गुजरात को जो लिंक देंगे उधर से, और अभी इन्होंने हमें मैनुअली रास्ता समझाया। पहली पहली हो जाओ, कहते हैं कहते पहली पहली हो जाओ, पैदल ही हो जाओ। तो ये अभी हम जा रहे हैं फार्म पे, तो जाके आपको दिखाते हैं फिर जो है ना। किधर फार्म? अच्छा वो फार्म है। हाँ चलें जी, अच्छी बात है, खुशगवार। मुझे वो अपने कॉलेज का दौर याद आ गया, वो जिस कॉलेज में पढ़ा करता, सरकारी कॉलेज था, उसके इस तरह के पे होते थे, तो ऐसे पे से गुजर के तलीम हासिल की। एक वो भी फार्म है, वो फार्म नहीं है, वो हवेली टाइप है कोई। बस आदल मैं तो स्मार्ट आदमी हूँ, आप जरा बच जाइएगा। अच्छा हाँ, फार्मर साहब की मोहब्बत में किधर किधर हमने सफर कर छोड़ा। जी फार्मर, फाइनली हम पहुंच गए हैं। सभी साहब इधर जो सुपरवाइज़र है वो मौजूद है, जो हमारे फार्मर है वो इधर मौजूद नहीं, उन्होंने माशाल्लाह जो है ना इन्वेस्टमेंट इधर की हुई है। तो सभी भाई आप ये वैसे वाकिफ़ निकल आए हैं हमारे ना, वो हमारे जो पीएस फार्म पे सुपरवाइज़र हैं अब्दुल्ला साहब, वो बीएसपी से आए हुए हैं। तो आपने बीएसपी में काम किया हुआ जी, कितना अर्सा? 5 साल सर किया। 5 साल उधर किया। वैसे कितना अरसा हो गया फार्मिंग में? वैसे सर 2009 से स्टार्ट किया मैंने। 2009 से है, तो आज माशाल्लाह कितने दिन का हो गया जुजा? आज सर 6 दिन का हो गया। 6 दिन का हो गया है। तो कैसा रिजल्ट आपने, आप ब्रीडिंग की हुई है वाइट लेयर की कि नहीं? की है सर। उसकी भी गई है। हाँ जी, उसके और इसमें क्या फ़र्क देखा आपने? अच्छा थोड़ा सा ही फर्क है, इतना ज़्यादा ज्यादा नहीं है। नहीं फर्क। हाँ तो जी, उसकी लेकिन मोर्टेलिटी इसकी कितनी ऊपर है इस, जानवर? हाँ जी आ ऊपर जाए, है चले आ जाए आप। मोर्टेलिटी सर इसकी तो माशाल्लाह कम है। इसकी कम है, हाँ वाइट की जी, ज़्यादा होती है। वाइट की सर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा तो ये भी आपके पास 3500 चूजा आया। जी, तो ये सभी भाई अगर आपके पास वाइट लेयर 3500 होती तो 6 दिनों में कितना हो जाना था? वो सर उधर मैं अभी मैंने ना 31 तारीख को मैं आया हूँ जी इधर। 31 को? हाँ अच्छा जी, तो हर दिन का जो है ना 45, 50, 60 मर जाते हैं उधर। मार जाते थे उधर कितने दिन का चूजा? वो। उनका भी इसी तरह सर, उनका सर 16,400 आया था। अच्छा और मेन मसला उनका सर ये है कि इधर तो हमने सेमी कंट्रोल बनाया ना इसको, हाँ 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 वो ओपन था बिल्कुल ही। टेम्परेचर ओपन है गर्मी में तो। कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये भी उसकी हिम्मत है मुर्गी की बहुत है। थोड़ा सा। वैसे भी ब्राउन ज्यादा सख्त जान होता है वाइट की नस्बत हाँ ना, जी, इसकी बहुत कंडीशन बिल्कुल ठीक है, बेहतर है। बिल्कुल। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितना प्यारा मंजर है, पंजाब के खूबसूरत खेत। अब्दुल्ला इधर से आगे दिखाएं, वो सामने मोटरवे का लिंक रोड बन रहा है, तरक्की पाकिस्तान में आ रही है। तो ये सभी भाई कब तक कंप्लीट हो जाएगा मोटरवे? सर इसका फाइनली नहीं बता सकते क्योंकि हाँ ये इमरान खान के दौर में स्टार्ट हुआ था। अच्छा हाँ जी, तो ये फिर इमरान खान का दौर ही आएगा तो हाँ पूरा जी, शायद होगा। उसके अभी कुछ नहीं कह सकते अभी तो इसके दो बारे में। तीन दौर लग जाने हैं इसके। जी चले जी, इमरान खान साहब के दौर में हो या शहबाज शरीफ साहब के दौर में हो जी, जाना चाहिए। होना चाहिए जी, आसानी लोगों के लिए आसानी हो जाएगी जी। हाँ तो अभी आपके कितने, 16 चूजे बता रहे हैं? अभी सर 16 चूजे मोटरगेम में 16 हुए हैं 3500 में से। जी 3550। 3550। हाँ वो एक तो डिब्बा एक चूजा एक्स्ट्रा भेजते हैं ना ये। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा 16 तकसीम वो गिनती में तो 35, सर वो ही है ना, लेकिन वो 50 ऊपर है नहीं ऐड माशाल्लाह तो। हाँ जी आधा परसेंट भी नहीं हुआ आपका, जी, 0.45% अल्लाह है। खैर अरे करे। हाँ जी, अल्लाह लाइट करे। सर बंद है, अगर आप कहते हैं तो फिर ऑन कर लेते हैं। अच्छा तो आठ लाइट 8 बजे लाइट ऑन ऑन कर ली। करनी हाँ है, जी, 6 बजे ऑफ की है। चलें एक हमें आए हैं तो हाँ चाची कर मरवा लेते दो हैं सर, आ जाए। पंजाबी में तो आप वैसे उकाड़ा से बिलोंग करते हैं? जी, हाँ उकाड़ा से आगे मेरी रहायश है 10 किलोमीटर में। अच्छा, तो अब्दुल्ला साहब को आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जी, हाँ जी, अच्छा अभी ये अल्टरनेटिव जो दो दो दिन दो दो घंटे बंद कर रहे हैं? जी सर 2 घंटे आ जाए। हाँ
गुड मॉर्निंग जी, सॉरी यार आपको तंग किया चुजो। तो माशाल्लाह ये ट्रे भी लगाए हुए हैं। अच्छा मैंने कहा था जुनेश साहब को कि वो बर्तन भी पानी के लगा देते, वो भी साथ लगा देने वो थे। सर ना इनके पास पुराने पड़े हाँ। तो मैंने उनको मुनासिब नहीं समझा। अच्छा वो पहले पता नहीं कौन से फलाक के पड़े, तो एहतियात तो करनी चाहिए ना घर से। ये बच्चा हेल्पर है? हाँ जी ये हेल्पर है। बेटा कुछ चूजे पकड़ी चार पाँच चूजे ले आओ। सेमी कंट्रोल में ठीक मैनेज हो रहा है टेम्परेचर? हाँ जी बिल्कुल माशाल्लाह बेहतरीन। कितना चल रहा है अभी? इधर नहीं सर वो ये इसका वो मुकम्मल कंट्रोल नहीं ना बनाया सर। ठीक है वो उधर टेम्परेचर मीटर लगाया उसके ऊपर चेक कर लेते हैं। अभी 32 सर चल अभी माशाल्लाह चेक कर लेते हैं, पानी का पता चल जाएगा कि कैसा क्रॉप टेस्ट चल रहा है। ये बच्चों को कहा करें कि ये ना फूक मार के ना तो बाहर निकाल दिया। टाइम करते हैं अभी लाइट ऑन की है ना सर, दोबारा इसको करना साफ। फीड इनटेक ठीक कर रहा माशाल्लाह। हाँ जी ये इस तरह सर ना साफ कर लेते बिल्कुल। ये फार्मर ये देखे ये तरीकाकार नहीं माशाल्लाह पानी शानी पिया हुआ। हाँ जी माशाल्लाह फील्ड अच्छी तरह से खा रहा भी खा रहा है जो परेशान निकाल ली है। हाँ जी ये डेंटिफिकेशन होती है ना, इसकी वैक्सीन भी कल करनी है ना। अच्छा कल है किल्ड है, इससे भी पानी शानी पिया हुआ इंजेक्शन लगाना है जी। हाँ जी ये होता है जी 18 अगर पूरे हो जाए जी जी तो ये 6 दिन का, ये 17 साढ़े पाँच दिन का। ये कितने में कितने का फार्म? ये सर 45x90 45x90 है ये बन रहा है। ठीक है माशाल्लाह बेहतरीन है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। 4000 स्क्वायर फीट है तो ये अगर आप 1.15 नेस्ट में भी लगनी है चले अल्लाह खैर ये सर्दियां तो निकल जाएंगी आपकी, गर्मियों में थोड़ी जगह तंग होनी है अगले साल ना। तो पानी शानी ठीक आ रहा है प्राइस? हाँ जी माशाल्लाह तो नहीं लग रही है पानी ठीक है माशाल्लाह। हाँ जी नहीं कुछ नहीं है कुछ इसमें ना सेकंड हैंड भी लगाई ठीक है निपल का फ्लो। हाँ इसका जो है ना सभी भाई जी एक बोतल रख के ना मेजरिंग बोतल होती है जी जी ये 80 से 120 ml पानी एक मिनट आना चाहिए निपल में ना। तो चलो मेजर में सर चेक कर ले मेरे पास पड़ा नहीं वैसे ठीक है ये पानी प्रेशर लेवल सर इसमें है ना तकरीबन 50% लेवल की ओवर माशाल्लाह। नहीं ठीक है असल में वो हम डरे हुए हैं हमारे इसमें वो नहीं है बॉल नहीं है वो बॉल सर है लेकिन वो ना दूध वाली दवाई पिलाई थी ना जी। अच्छा तो वो जम गया अंदर अभी इसको कल निकाल तो वो असल में हुआ ये कि हमारे एक फार्मर थे खैरपुर मीरस में ना जी जी उन्होंने ऐसे लाइनें चला दी लाइनों से जानवर ने पानी पूरा ना पिया तो वो बड़ा डिहाइड्रेट होके एक्सपायरी हुई 26-27 से जुदा मर गया था। मगर मुझे वो असल में कहता है कि वो एक दफा डरा बंदा फिर डरा देता तो मुझे ये डर था मगर ये माशाल्लाह आपका नहीं सर मैंने इसका ना आपकी बात काट रहा हूँ मैंने जब चूजा आया ना उससे पहले मैंने इनकी ये कॉलियाँ ना वो पानी से भर दी थी ताकि उनको पता चल जाए कि इधर से पानी पी। ये देखिए जी फार्मर ये एक्सपीरियंस बंदे की पहचान होती है कि वो कहते हैं मैंने कॉलियाँ पहले भर दी थी मगर मेरी अभी भी रिकमेंडेशन ये है कि पहले 10-15 दिन आप डब्बे साथ चलाएं ये जरूरी होते हैं। तो आप जब माशाल्लाह उधर व्हाइट लेयर का करते रहे हैं तो कितना जानवर था आपके पास उधर? उधर तो सर काफी फ्लॉक 80,000 लाख का फ्लॉक होता था सर। तो सारी ब्रूडिंग शूटिंग अंडे तक लेके जाते थे? जी जी पहले ब्रूडिंग सर करते थे इसी तरह। ठीक है फ्लोर पे ही? हाँ जी फ्लोर पे नीचे वाले। हाँ हाँ उसके बाद जब 18 हफ्ते का हो जाता था फिर आगे ले जाते जब अंडा शुरू करता था फिर आप केजेस में लेके 13-14 हफ्ते नीचे लेके जाते? हाँ जी ठीक है। तो केज तो उधर वो थे एच टाइप थे कि ए टाइप थे? मतलब ए टाइप सर। ए टाइप? हाँ जी ए टाइप जो ऐसे होते हैं जिनकी बिठे नीचे गिरती हैं बेल्ट पे गिरती हैं? बेल्ट पे सर बेल्ट पे। फिर एच टाइप हुआ है ना एच टाइप तो उनके तो मेरा ख्याल एसबी के तो लाख लाख 2-2 लाख के हाउस होते होने। हाँ बहुत बड़े बड़े सारे उसके शेड भी काफी लेंथ के होते हैं। हाँ, किधर 550-600 फुट के होते हैं। 600 फुट उसके बाद उसकी 65-70 फुट चुड़ाई चुड़ाई होती है। नहीं उधर तो सारा दिन आप अंडे ही जोड़ते टाइम लग जाता है ना आपको? वो सारा आदमी खड़े होते हैं वो मैं पटा लगा होता है ना जी उसके ऊपर अंडा चलाया जाता है आगे मशीन के आगे बंदा खड़ा होता है उसने चुन चुन सारा दिन अंडे उठाने होते हैं। वो बेल्ट चलते रहते हैं अंडे आते रहते हैं सुबह उधर 11-12 बजे तक ज्यादा फ्लो होता है? हाँ जी ज्यादा उसके बाद कम हो जाता है जी माशाल्लाह जी। ये 10 बजे और 12 बजे लेके फर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा लेबर चाहिए होती है। तो वो फार्मर्स उसमें होता है ये कि ऑटो बेल्ट होते हैं 1-2 लाख जब होता है तो वो सारा दिन बेल्ट चलते रहते हैं लेबर से ये है कि फीड ऑटो मशीन ने डाल दी है जी जी। हाँ जी हाइपर सिस्टम वो हाइपर सिस्टम होता है और अंडे बस उठाने हैं अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आप भी सिस्टम में जब लगी होती है।
मुकम्मल शुरू से लेके अंत तक ट्रफ लगी थी उसमें जो है कितने फ्लोर थे उसके, मंजिलें कितनी थी? चार मंजिला था। हाँ, चार माशाल्लाह। अभी चूजे को भूख-शूख लगी हुई है तो माशाल्लाह आप तो ऑलरेडी पास है। जी, एक काम करें बस, ये लाइट जो है ना ये येलो करवा दे। ये सर उधर येलो थी कि वाइट थी? उधर सर ये वाइट तो बाद में करते, पहले तो उसको येलो कम कर देते, 7-8 लक्स देते। तो नहीं वो येलो लाइट होती है इसके ऊपर सर ना, वो शापर ले आते हैं वो इसके ऊपर लगा देते। नहीं आप येलो बल्ब मंगवा लें, जो सन लाइट होती है ना, जो सूरज की लाइट की वेव लेंथ होती है ना, वो चूजे को देनी होती है। वार्म वाइट, वार्म लाइट जो है ना, तो उधर तो उनके हाउसेज में तो जो लगी होती है वो तो 6-6, 7-7 हज़ार का बल्ब होता है। जी जी, जो वार्म लाइट होती है वो प्योर सन लाइट की वेव लेंथ होती है, ओरिजिनल है जी। नहीं माशाल्लाह जी, वेल डन, बहुत अच्छा आप चूजा चला रहे हैं। अल्लाह ताला खैर करे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सारी जितनी है कि जितनी एहतियात हो जाए उतनी बेहतर। मैंने उनको यही भी कहा है कि आपका कोई जो है ना, आपके मालिक जो आपका अजीजो अजीज है, उसको भी मैं कहता हूँ कि आप बाहर ही रखें। हाँ बेशक, मेरी तो यही कोशिश है। ऐसी बात नहीं, नहीं वो बाहर ही रहना। और उसके बाद ये भी एहतियात करते हैं, ये काम ही आते हैं। अगर ज्यादा मालकन का आप पे इत्माद है माशाल्लाह। जी जी, उन्होंने पूरा भरोसा किया। बिल्कुल सर, वो जब चाहे आ जाते हैं फिर चले जाते। तो आपसे कैसे रब्ता हुआ मालकान का? ये सर मेरा एक जो है ना वर्कर, ये मेरा शागिर्द है। अच्छा, वो इधर सर चक्री एरिया में काम कर रहा है। हाँ, तो उनसे मेरा रब्ता हुआ, फिर इससे इनसे बात जीत हुई। ये माशाल्लाह इन्वेस्टर लग रहे हैं। हाँ जी, तो ये पहले भी इधर इन्होंने कोई चुदा-शुदा डाला हुआ? ये स्टार्टिंग ही है पहले। अच्छा, ये फार्म पहले फ्लाग है इधर? हाँ, इनका सर पहला फ्लाग है लेकिन ये पहले स्टार्ट रहे। चले जी, बस अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हाँ जी, आप भी जो है ना मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला जो है ना आपको समर दे, और उनको हाँ, भी उन्होंने आप पे भरोसा किया, खास तौर पे हम पे भरोसा किया। मुझे याद है कि मेरे से मुलाकात नहीं थी हुई उनकी ना, जुनेद साहब की, तो वो आदिल साहब प्रम्प्ट पेमेंट आ गई, 3500 की प्रम्प्ट कर गए ना। जी जी, तो तैयार करके ना, मुकम्मल तैयार करके फिर हमारे पास आए, फिर आए हैं। हाँ, और माशाल्लाह वो जो है ना उन्होंने हम पे भी भरोसा किया, आप पे भी किया। तो आप हमारा चैनल देखते रहा करें, उधर जिस तरह की अपडेट्स होती हैं हम शेयर करते रहते हैं। हाँ जी, वो सर मैंने रात को जो आप वीडियो भेजी थी वो भी मैंने देखी। हाँ जी, चले 34 मिनट की और ऊपर कुछ सेकंड। तो आपके पास स्मार्टफोन है? हाँ जी, स्मार्ट, वो दूसरे मोबाइल पे। आप फिर हमारा ना नंबर सेव कर लें, किसी किस्म का कोई मसला होता है आप हमारे नंबर पे बताइएगा, इंशाल्लाह हम अवेलेबल हैं। बाकी माशाल्लाह आप खुद तजर्बा कर रहे हैं, आपसे हम खुद सीखेंगे। बिल्कुल, ये अल्लाह खैर करें, हमने आपसे ही सीखने। चले चले, थैंक यू सो मच जी। मैं इंशाल्लाह अब्दुल्ला साहब को आपका सलाम भी दूंगा। बाकी हमारे फार्मर्स को कुछ चूजे के बारे में फीडबैक देना चाहें आप, कोई बताना चाहें कि ये डालना चाहिए या वाइट डालना चाहिए फीड के बारे में? जी नहीं, चूजा चूजे के बारे में कि ब्राउन लेयर डालनी चाहिए या वाइट लेयर डालनी चाहिए? ये सर बेहतर है मेरे ख्याल से, ये बेहतर है। हाँ जी, सख्त जान है। हाँ, ये बहुत सख्त जान है, इसकी जो कंडीशन है बहुत अच्छी है। अच्छी है, वाइट इसकी जो है परफॉर्मेंस वो भी ठीक है। परफॉर्मेंस भी ठीक है, उसके लिए ये गेन जल्दी कर रहा है, गेन जल्दी वो काम है। ये माशाल्लाह जी 10-12 साल का, 14 साल का एक्सपीरियंस है आपका? 2009 से जी, 15 साल का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। और वो कह रहे हैं कि वाइट लेयर से ब्राउन लेयर बेहतर है। ये सर, ये हम नहीं कह रहे, ये खुद सभी साहब कह रहे हैं। वो पीछे दिखाइएगा जी, चूजे माशाल्लाह मस्ती में आ गए, घूम ही जा रहे हैं। सभी साहब ऐसे वाइट लेयर भी ऐसे बिहेव करता, एक्टिव वो कम करता है सर, ये बहुत एक्टिव है। जब स्टार्टिंग से आया फिर इसी तरह इसने एक्टिव माहौल बनाया। हाँ, कोई परेशानी नहीं हुई। वो इतना एक्टिव नहीं होता? नहीं होता वो सर, उनको 3-4 दिन भगाना पड़ता है, दिन रात। हाँ, खुद भागना पड़ता है पीछे पीछे, झंडी लेके ना सर पीछे। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये फार्मर, ये देखे माशाल्लाह जो तजर्बा है ये वो बता रहे हैं। आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है ना हमें इस्तकामत दे, हम इसी तरह इसी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखें, और जो है ना अल्लाह ताला इनको भी कामयाब करे और आप सब देखने वालों को भी कामयाब करे। बाकी अगर आपका भी कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300-9641-990 पर आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो फार्मर के तजर्बात है वो आप तक पहुँचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।